हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी अपने पढ़ाए फॉर्मूलाज ऑफ कॉट ए प्लस माइनस बी, आज ये पढ़ाना है। बट इसको पढ़ाने से पहले क्वेश्चन करना है। एग्जांपल 14, वेरी इंपॉर्टेंट। टैन 3x टैन 2x टैन x इज इक्वल टू टैन 3x माइनस टैन 2x माइनस टैन x। ये एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल पॉइंट है यहाँ पर। वो क्या, अगर आप नोटिस करें यहाँ एंगल क्या है, 3x 2x x ब्रेक करता हुआ है, 3 2 1 इस तरह है ना। तो यहां हमने कैसे करना है, मैं tan 3x को क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट tan 2x प्लस x। अब इस पे क्या अप्लाई कर देना है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। एल एच एस में टैन 3x इज इक्वल्स टू आर एच एस में टैन ए यानी टैन 2x प्लस टैन x अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन 2x इंटू टैन x। इधर शिफ्ट करो, टैन 3x 1 माइनस टैन 2x इंटू टैन एक्स इज इक्वल्स टू टैन 2x प्लस टैन एक्स, ब्रैकेट्स ओपन, टैन 3x माइनस टैन 3x टैन 2x इंटू टैन एक्स इज इक्वल्स टू टैन 2x प्लस टैन एक्स। अब नोटिस करो, जो मेरे को प्रूव करना है वो आ चुका ऑलरेडी, क्या tan 3x tan 2x tan x ये आ चुका है ऑलरेडी। क्या करो, इन टर्म्स को यहां शिफ्ट और ये दोनों को LHS में शिफ्ट कर दो। देखो इन दोनों टर्म्स को मैं LHS में भेजूंगा तो क्या बनेगा, tan 3x माइनस टैन 2x माइनस टैन x इज इक्वल्स टू, और इस पूरी टर्म को आर एच एस में टैन 3x टैन 2x टैन x। अब एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट में लिख लेते हैं, उसको राइट में, तो क्या बन रहा है, टैन 3x tan 2x tan x is equals to tan 3x minus tan 2x minus tan x। यही प्रूफ करना था, चेक कर लो। अब फॉर्मूला, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 है। करो cot x cot 2x cot 2x cot 3x cot 3x cot x, इन एंगल क्या हो रहा है, 3 2 या 1 2 3 कुछ भी बोलो। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, cot 3x, cot 3x को कैसे लिखूंगा, cot 2x plus x, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, cot के फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर मेरा आ गया था 14 15 16, तो फॉर्मूला नंबर 17, cot a plus b, ये होता है cot b cot a माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, फिर cot a माइनस b cot b cot a प्लस 1 अपॉन में cot b माइनस cot a। ये दो फॉर्मूलाज है, अब इसका यूज करते हैं। cot a प्लस बी cot b cot a माइनस 1 अपॉन में cot b प्लस cot a, cot 3x क्या हो जाएगा,
cot b यानी cot 2x into cot x minus 1 upon में cot 2x plus cot x, भेज दो इसको यहां पर cot 3x into cot 2x plus cot x is equals to cot 2x cot x minus 1. ब्रैकेट्स ओपन करो, cot 3x cot 2x, ये काम करते हैं इसको इसलिए ऊपर में अरेंज, यानी x और 2x, 2x और 3x तो अरेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई cot 2x cot 3x. बेटा एक बात रखना, ये ना छोटा सा मैं डॉट लगाता हूँ और मैथ्स में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो cot 3 cot cot 2x cot 3x, अब cot 3x इससे होगा क्या बनेगा प्लस cot 3x cot x इज इक्वल्स टू, इसको भी अरेंज कर दो इस ऑर्डर में, cot x cot 2x माइनस 1. अब 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो 1 को पॉजिटिव करने के लिए LHS और बाकी सबको RHS. वन इज इक्वल्स टू, शिफ्ट करना स्टार्ट करो, सबसे पहले मेरे यहां पर है, सबसे पहले है मेरा cot x cot 2x, cot x cot 2x, फिर इसको वहां शिफ्ट करो माइनस cot 2x cot 3x, ये वाली टर्म भी जाएगी माइनस cot 3x cot x, चेक करो प्रूव हो चुका है. बस क्या करना है, ये सारी टर्म को पहले और वन को यहां ना लिख के यहां लिख देना है आर एच एस में, cot x cot 2x cot 2x cot 3x cot 3x cot x is equals to 1, hence proof.